आया माँ। ए बेटा देख तेरी चिट्ठी आई है। देख कहाँ से आई माँ? देख तो सही कैसी चिट्ठी है। अरे तेरी नौकरी का बुलावा तो नहीं है? हाँ माँ परसों बुलाया मुझे। अरे तो एक दिन में मैं क्या क्या कर लूंगी, इतनी जल्दी बुला लिया। परसों तो जाना ही होगा माँ। ओहो अच्छा बहू। अरे हाँ अशोक बहू भी तेरे साथ जाएगी। माँ लेकिन पहले। अरे पहले और बाद में क्या फर्क पड़ता है। देख बहू तेरे साथ जाएगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी और तुझे तो अपना होश ही नहीं रहता। नई नौकरी है माँ, जाने वो जगह कैसी होगी। अरे तू तो कह रहा था होटल में रहेगा। लेकिन माँ वो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, बहू तेरे साथ ही जाएगी बस। ये फकीर लोग कलंदर लाल के भक्त हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ घूमते फिरते हैं। ये सेवन जा रहे हैं। कितनी दूर है? कावा गांव कहाँ, सिर्फ एक होटल है। क्या आप? हाँ मैं वहाँ पे एज अ केयर टेकर जा रहा हूँ। रब भी कबूल करे तेरियां दुआवां, साडे लई मंगी साई ठंडियां छावां। रब भी कबूल करे तेरिया दुआवां, साडे लई मंगी साई ठंडियां छावां। देना की जोत जल्दी रवे झूले लाल, तेरे ना की जोत। जल्दी रवे झूले लालन, नूर खुदा
बस आप बैठे विस्की गटकते रहिए। आज 13 जुलाई हो गई है और 11 भी बज गए, आपका अभी तक केयरटेकर नहीं आया? नहीं आया तो आ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, कोई अपने गले में रस्सी क्यों बांधेगा? इंदु, इस देश में काम पाने के काबिल हो जाना जितना आसान है, काम पाना उतना ही मुश्किल। डिग्रियां आदमी की जरूरतें नहीं पूरा कर सकती, और आदमी अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आई कांट बिलीव इट। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जरूरत के लिए कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, उसे यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। ओहो, होटल की गाड़ी गई है, वो आता ही होगा। तुम क्यों घबराती हो डार्लिंग? मैं चल रहा हूँ ऑफिस। ठीक है, घबराना नहीं। ओके। सर, अशोक साहब आ गए। अच्छा ठीक है, ओके। हेलो, शी इज माय वाइफ। हेलो, नमस्ते जी। पहुंचने में कोई खास तकलीफ तो नहीं हुई? इट्स ऑल राइट, ठंडी हवाएं चलने से कुछ सर्दी महसूस हुई। आपको ऐसी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि अपना होटल सेंट्रल हीटेड है। अच्छा, डोंट वरी, आइए। ओह यस। क्या लाइट पकड़ के खड़ा रहेगा क्या? तू भी दारू पी? तो मजा आ गया यार, दारू में मजा आ गया। बोले मेरा कसूर क्या है अगर हीरो नहीं आया तो? भाई इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, खाम खाओ प्रोड्यूसर मेरे को चिल्लाया था। मैं अगर प्रोड्यूसर होता ना, उसको कभी चांस भी ना देता अपनी फिल्म में। फिल्म में तो लोग हीरो बनते हैं, लेकिन असली जिंदगी में तो एकदम ही डरपोक होते हैं। हीरो लोग है ना, खाली बोतल जैसे होते हैं। इनको किसी को डेट ही नहीं देना चाहिए। अभी एक काम करो, तुम लोग दारू पियो और जल्दी से जाओ, है? और सुबह मेरे को जल्दी उठा देना, मेरे को जाने का भाई है। मैं तो भी बैठ के दारू पीऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। हो जाओ, अपना अपना गिलास ले आओ, दारू ले। मिस्टर अशोक, आते आते यहाँ की खूबसूरती का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। पहले कभी आई हो यहाँ? नहीं, पहली बार ही आई हूँ यहाँ। वैसे 8 महीने यहाँ पर टूरिस्टों की बड़ी भीड़ लगी रहती है, और इन 4 महीनों में तो आने जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। सर, आप कब जा रहे हैं? कल। इतनी जल्दी जा रहे हैं? हाँ, वरना रास्ते बंद हो जाएंगे। बस मौसम साफ होते ही हम लोग भी आ जाएंगे। जल्दी आ जाएंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस रूम को हम कभी नहीं खोलते। मिस्टर अशोक, हमने कई सालों से इसे बंद रखा है, क्योंकि जिन टूरिस्टों को भी ये रूम अलॉट किया है, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटी हैं। क्या हो गया था? वो पीटर और एक डांसर लड़की की मौत हो गई थी। अच्छा, कुछ गुंडों ने आकर पीटर और उसकी प्रेमिका की हत्या कर दी। गली पकड़ो। और मिस्टर अशोक, आज भी उनकी आत्माएं यहीं भटकती रहती हैं। उसके बाद पीटर की पत्नी उसको ढूंढने आई, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। आप लौटेंगे कब? बस मौसम साफ होते ही रास्ता खुल जाएगा और हम लौट आएंगे। कुछ महीने तो लग ही जाएंगे, और यहाँ आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। ओके ओके ओके। मैं अंदर।
तो भटनागर भी चले जाएंगे। हाँ। हम लोगों को क्या बिल्कुल अकेले रहना होगा? यू डोंट अंडरस्टैंड राधा, अगर यहाँ कोई और रह सकता होता तो मुझे क्यों अपॉइंट किया जाता? ए, क्या सोचने लग गए हो? क्या सोचने लग गए? नहीं नहीं छोड़ो ना प्लीज। सुनो जी, शूटिंग स्टाफ से कह दो कि उनके जाने का बंदोबस्त हो गया है। अच्छा, लेकिन हमारे जाने का क्या हुआ? हाँ, आपके जाने का भी बंदोबस्त हो गया है, लेकिन आपको 6 बजे से पहले निकलना होगा। ठीक है, 6 बजे से पहले निकलेंगे। हाँ, लेकिन हम कब निकलेंगे? हम भी निकलेंगे 12-1 बजे तक, लेकिन सामान वगैरह? सामान वगैरह का मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। हाँ। जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो गए। अच्छा ठीक। अच्छा अशोक साहब, अब हम चलते हैं। आपके लिए सारी चीजें मौजूद हैं, किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सर। सर ये लेटर हमारे घर के लिए पोस्ट कर दीजिएगा। ओके थैंक यू। वेटर, सारा सामान तैयार कर दिया? पहुंचा दिया। अच्छा अशोक साहब, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। ओके चलिए। अशोक, हमारे यहाँ पहुँचने का पत्र माता जी को भेज दिया? नहीं तो माता जी को बहुत चिंता होगी। अभी ही मैंने मिस्टर भटनागर को खत लिख के दिया है, वो शहर पहुंचते ही पोस्ट कर देंगे और 1-2 दिन तक घर पहुंच जाएगा। ओके पोस्टमैन। अरे अरे चाचा आ रहे, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लो चाचा बुरा ना मानो तो एक राज की बात कहूं। हाँ? जिसे कहना नहीं है। हाँ? ये वर्दी के साथ ये मूछे ना कुछ जस्ती नहीं है क्या? इन मूछों के साथ तुम्हें डाकिया नहीं, डाकू होना चाहिए था। चल चल, सवेरे सवेरे भेजा चाटता है, ये ले चिट्ठी, चल बस बढ़ाया कहीं का। कमाल है, अरे किसी को नेक सलाह दो तो अगला नाराजी हो जाता है, फिर क्या होगा इस देश का? फिर गज्जू। अरे रानी अब तो गज्जू बुलाना छोड़ दे, ये गज्जू मुझ पे कुछ जचता नहीं है। ये जी गज्जी, पूरा नाम लिया कर, गजधर प्रसाद चरसिया जी। अरे इतना लंबा चौड़ा नाम लेने के लिए फुर्सत किसे है? जब फुर्सत हो ना तभी नाम लिया कर मेरा। लेकिन ये चिट्ठी किसकी है? देख, एक तो खुली है, ऊपर से है अंग्रेजी में, किसकी हो सकती है? जरूर मेरे भैया की। भैया की है। गजधर प्रसाद चौरसिया जी। पहले बोल, गजधर प्रसाद चौरसिया जी। अजी कहाँ चले गए? जल्दी आइए ना। अरे क्या बात है भगवान, क्या बात है। हाय भगवान, अब चश्मा लगाएंगे तब जाके पढ़ेंगे। देख हाँ करना तो पड़ेगा, ऐसे ही पढ़िए ना जल्दी। भाग्यवान, हाँ लिखा है, नौकरी बहुत अच्छी है। अच्छा? दोनों खुश हैं। हाँ? माँ जी को प्रणाम। और क्या लिखा है? और सब ठीक है। रानी और गज्जू को मेरा बहुत बहुत प्यार कहना। और कोई खास खबर, कोई खुशखबरी? बस दोनों अच्छे हैं और लिखा है सब ठीक है, आप सब भी अपना ख्याल रखना। भाग्यवान ये ले बेटे और बहू की चिट्ठी, मैं जरा बाजार से हरि प्रसाद से मिल के आता हूँ। हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे गज्जू जा जल्दी से बाजार से मिठाई लिया। माँ ये तो शाम तक घर लौटेंगे, पहले उस छल्लो के घर के चक्कर लगाएंगे फिर बाजार। ओ छल्लो नहीं, छम्मो छम्मो। जगह माजी देखो ये रनिया की बच्ची को, लेकिन मुझे छम्मो से क्या लेना देना, मैं तो उसकी घर की तरफ देखता भी नहीं, मैं तो ऐसी ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, तो यूं ही बतियाएगा, जा जल्दी जाके आ जा रहा, लेकिन मैं छम्मो की घर की तरफ नहीं देखूंगा। अच्छा भाई मत देख। चल बिटिया हम मंदिर चलते हैं। Thank you.
देखा तुमने राजा? तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे एक मिनट रुको तो सही। तुमको मेरी कसम, प्लीज तुम सो जाओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कल सुबह देखेंगे, प्लीज। तुमसे पहले ही मना किया था ना कि मत चलो। नहीं अशोक, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये जगह बहुत खतरनाक है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ अनर्थ होने वाला है। तुम वापस घर क्यों नहीं चलते हो अशोक? देखो राधा, अब आ ही गए हैं तो हमें रहना ही पड़ेगा। फिर तुम समझती क्यों नहीं हो, उस होटल की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अशोक, आखिर हम ये 4 महीने गुजारेंगे कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अरे मैं कौन सा तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। ठीक है, रह लेंगे। अच्छा बाबा, अब ये सब छोड़ो, होटल चलना है, देर हो रही है, उठो। लग गई ना सर्दी? मैंने कितनी बार कहा कि नंगे मत सोया करो। लाओ मैं विक्स लगा देती हूँ। जरा सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, तुम्हारे कहने से ठीक हो जाएगा। आप चुपचाप लेटे रहो। तुम कहाँ जा रही हो? ओहो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। अशोक इधर आओ। तुमने लेटने को कहा था, अब मैं नहीं आऊंगा। ओहो जल्दी आओ ना। क्या बकवास है। हाँ भाई आ रहा हूँ। मर गए, लगता है मेरे बिना दिल नहीं लगता तुम्हारा, मेरा भी नहीं लगता। चारू मैं आप जैसी नहीं हूँ। सुनो, मैं अक्सर किचन में कुछ आवाजें सुनती हूँ, लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। तुम्हारे कान बजते हैं मीन साहब। अरे सुनो, ये क्या हो रहा है? अरे भाई भाई, ये क्या तूफान है? नहीं नहीं, मेरे पापा को भूत लग रहा है। अरे इनका सारा बाहर का कमरा ले जा रहा है। मैं बाबा का घर का फंस गया मैं। अरे शांति, अबे मैं क्या फंस गया? अरे कोई बचा मुझे। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है भाई? अरे बचाओ, मैं देखता हूँ। जा, मैं भी चलती हूँ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे कौन है? बंद करो भाई, बंद करो। किधर आ तुम? तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। ये सब क्या कर रहे हो? मैं सीधा सीधा आती हूँ, मारा जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अरे मैं बचाओ। अरे कौन है अंदर? अरे कौन है? दरवाजा खोलो तो बताओ मैं कौन हूँ। बाहर से खुला हुआ है, अंदर से बंद होगा। बाहर से बंद होगा? अरे ये आप तो जिंदा है। मैं जिंदा हूँ? आप जिंदा है तो फिर मैं भी जिंदा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं आए होते ना तो शायद मेरा आखिरी दिन होता। ये फिल्म यूनिट वाले कहाँ गए? ये तो चले गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए? हाँ। चले गए 4 दिन हो गए, मेरी किसी ने परवाही नहीं की। भाई साहब मेरा क्या होगा? तुम फिक्र मत करो। मेरा नाम अशोक, मैं इस होटल का केयर टेकर। हाँ मैं चलता हूँ। अरे चलो ना, चलिए आप। मैं चलता हूँ। अरे आओ ना। आ रहा हूँ भाई। ये तो भूत नहीं आई ना भाई साहब? आ रहा हूँ, देखिए ना, मुझे आप फंसा के चले गए। किसी को परवाही नहीं है कि मैं अकेला मर रहा हूँ। 4 दिन हो गए। आप परेशान क्यों हैं? अरे परेशान नहीं हो तो क्या करूं भाई साहब, 4 दिन से इन भूत प्रेतों के साथ अकेला लड़ता रहा हूँ और आप बोलते परेशान क्यों हो रहे? आप मेरे साथ आइए, मैं आ रहा हूँ। आइए आइए ना। आप इधर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। आप जा कर रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ के मत चाहिए। देखिए मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। खाने का बिना बंदोबस्त? हाँ। भूख तो लगी है, लेकिन आप वापस जल्दी आ जाइए। मैं जल्दी आता हूँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं जल्दी आता हूँ। सुनिए आप तो भाई साहब, दरवाजा बंद मत कीजिए, खुला रहने दीजिए। 4 दिन तक दरवाजा बंद ही रहा था। ये आदमी वापस आएगा कि चक्कर में डाल के चला गया? ये भी लगता तो नहीं है, है तो शरीफ आदमी। वैसे अब क्या हाल बना रखा है,
ये शीशा। अरे बाप रे, वाह नहीं, फिल्म यूनिट मेरी बीवी है। नहीं नहीं, आपकी बीवी है। माफ करना मुझे। शांति रखो, शांति रखो। आप बैठता हूँ। राधा तुम खाना लगाओ। भूख लगी खाना पर। चलो चलिए खाना खाते हैं। हाँ, मुझे तो चार दिन का भूखा हूँ। मैं तो खाऊंगा भाभी जी। मैं आमलेट नहीं खाता। आप कोई पकौड़े वकौड़े हो तो मंगवा लीजिएगा। इसके लिए जरा पानी भी ले आना। चाय भी बाद में। ये मेरे मैं चार दिन मैंने कैसे बिताए मैं जानता हूँ। पहली रात तो मैं भूतों के साथ क्रिकेट खेलता रहा। एक बैटिंग कर रहा था, दूसरा फील्डिंग कर रहा था, तीसरा अंपायर था और मैं बॉलिंग कर रहा था। अच्छा भैया, अगर आज तुम मुझे कमरे से बाहर नहीं निकालते ना तो मेरा वो मेरा जिंदगी का आखिरी ओवर होता। अरे भाभी जी, ये आप हंस रही थी? यही तो हंस रही थी। अच्छा, क्या खूब हंसती है। बहुत हंसती है, लेकिन मैं पता क्या समझा आपको, वो लोग हंस रहे हैं। वो भजिए खाइए। आप भी खाइए ना। नहीं आप खाइए, चार दिन से भूखे ना। चार दिन से भूखा तो मैं तो बहुत भूख लगी। ये क्या हुआ? जूते गायब। कैसे कैसे? मतलब रात को पहन के सोया था, सुबह जूते गायब। ये कैसे हो सकता है यार? कैसे हो सकता? मतलब वैसे होते जैसे बाकी सब कुछ हो रहा है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब कुछ ऐसे हो रहा है। क्रिकेट? हाँ। कहाँ? वो क्या बताया था ना आपको मैंने, मेरे को लगता है ये वो एम्पायर था ना, वो मोटा सा काला सा है, वो मेरे जूते ले गया। और जूते के बगैर मैं सो नहीं सकता, सोता भी हूं तो बड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, जूते मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास बहुत जूते हैं, उसमें से एक आप ले लीजिए। हाँ, आपका जूते मेरे को आ जाएंगे, आप मंगवा दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और क्यों, जूते बगैर मैं सो नहीं सकता। और सोने के तो बड़ी। और कुछ लेंगे? जूते मेरा मतलब है कि इनके जूते मेरे को आते हैं, और इनके जूते आप मुझे जो, मैं जूते बगैर सो नहीं सकता, बड़ी मुसीबत होती है। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। भाई साहब, उस्तरा है आपके पास? उस्तरा? मेरे तो दाढ़ी बहुत बढ़ गई, चार पांच दिन से ये साफ कर। अच्छा अच्छा अच्छा, उस्तरा तो नहीं, सेफ्टी है मेरे पास। हाँ चलेगी चलेगी, दाढ़ी बनाना, अपनों क्या करना है। अच्छा तुम सब्र से खाओ, इत्मीनान से खाओ, सामान बाथरूम में रखते। रख दीजिए, बहुत शरीफ आदमी है दोनों। पेट भी भर गया, दाढ़ी हो गई, बस। मैं वहां अकेले नहीं सोऊंगा, मुझे डर लगता है, मैं तो यही सोऊंगा तुम लोगों के पास। अरे ये क्या कह रहे हो, तुम अभी तक सोए भी नहीं? सोने के लिए तो आया हूँ, यही सोऊंगा मैं वहां। मुझे डर लगता है, यहाँ सोऊंगा तुम्हारे बीच। यहाँ? यहाँ? हाँ। ये कैसे हो सकता है? तुम जाओ ना बगल वाले रूम में सो जाओ। मैं किसी कमरे में नहीं सो सकता, मैं वहां सोऊंगा तो सोए रह जाऊंगा, मैं तो यही सोऊंगा तुम दोनों के बीच में। अरे ये क्या, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम जाओ उधर सो जाओ। ठीक है तो मैं यही सो जाता हूँ। यहाँ आदमी तो है जिसकी शक्ल देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं। भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? ये साथ वाले रूम में सो जाइए ना। साथ वाले रूम में सो जाइए मतलब इस रूम में? हम आपके साथ ही तो हैं। ठीक है, आप कहते हैं तो चला जाता हूँ, लेकिन दरवाजा खुला रखिएगा, हम कोई गड़बड़ होगी तो भाग के आ जाऊंगा। हम खोल के रखेंगे। मेरी जान चुकी रहेगी। सुनिए, गलती से दरवाजा बंद मत कीजिएगा वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तुम जाओ, हम खोल के रखेंगे। जाओ खोल के रखना। सुनिए, अपना ये पकड़ लीजिए। जाओ, जाओ अब तो जाओ। बॉम्बे फोन करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं इनको। हेलो, ये क्या है? ये तो किसी ने तारी काट दिया इसका। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? मैं तो मारा गया। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, ये लोग सब मुझे छोड़ के चले गए, मैं तो यहाँ अकेला रह गया, अब मेरा क्या होगा? समुद्र देवता, मेरा नाम नंदू है,
मैं बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा सप्लायर हूँ। एक थर्ड क्लास यूनिट के साथ यहाँ आया था, वो मुझे छोड़ के चले गए। आप एक मेहरबानी कीजिए, एक बार मुझे बंबई पहुँचा दो, कसम खाता हूँ फिर कभी आउटडोर नहीं करूँगा, सिर्फ इंडोर करूँगा। मेहरबानी हो जाए इतनी। हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था, सुनते रहता है ये सब। भागो, ये तो जंगल में मंगल हो जाएगा। चलो सकती। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, मैं तो हवा की तरह जहाँ चाहूँ पहुँच सकती हूँ। क्या चाहते हो तुम? ये तुम पूछ रहे हो? अब तुम्हारे लिए मैं गैर हो गई? जिसकी एक दिन की नाराजगी तुम्हें बेचैन करती थी, उसे तुमने इतनी आसानी से भुला दिया? मैं तुम्हें प्यार करता था जब तुम जिंदा थी, अब मैं किसी और की अमानत हूँ और उस रिश्ते का पूरा पास है मुझे। नहीं, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। जैसे भी हो, मैं तुम्हें पाके रहूंगी। हाँ अशोक, पाक रहूंगी। तुम मेरी मंजिल हो अशोक। अपनी मंजिल तक पहुंचकर कोई लौटता है क्या? तुम जिस रास्ते पर चलकर मंजिल पाने का ख्वाब देख रही हो, उस ख्वाब की ताबीर तुम नहीं पा सकती चंदा। भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाऊं? भूल जाऊं वो गांव जहां हमने प्यार भरी जिंदगी गुजारी थी। Thank you.
अगर तुम हिल गए तो सात घुसे खाने पड़ेंगे ऐसे। अब मुझे अपनी मनमानी करने की पूरी आजादी है। हिल गए ना। सुनो, ये धक धक सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? दो दिल जब मिलते हैं तो अक्सर ऐसा होता है। अगर इजाजत हो तो ये धक धक कानों से सुन लूं। सुनो, हाँ। अब तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों? आई लव यू चंदा, आई लव यू। अब चलें, कल की तैयारी भी करनी है। तुम तो बड़ी आसानी से बोल देते हो, हम रह भी पाएंगे तुम्हारे बिना, ये कभी सोचा है तुमने? अच्छा, पहली बात, रोज सुबह और रात को हमें चिट्ठी लिखना मत भूलना। दूसरी बात, किसी लड़की की तरफ मत देखना। तीसरी बात, जिस कमरे में रहो उस कमरे का फोटो खिंचवा कर भेजना। चौथी बात, हर रात को सोने से पहले हमें याद कर लेना, करोगे ना? हाँ करूँगा। ये तो तुम हमेशा ही कहते हो। लाओ कस के काटे, याद तो आएगी हमारी। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ हम पागल हो गए हैं। हम दिन भर क्या करते रहते हैं मालूम है तुम्हें? हमारे पीछे लगी रहती हो। जब तुम नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? पढ़ाई करना मन लगा के। सजलो सजलो, जितना सजना है सजलो। ट्रेन में सब चौपट। तुम क्यों जल रही हो? क्या मैं जल रही हूँ? जो मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे अरे ये क्या, जाते जाते तुम लोग लड़ाई करने लगे। ले बेटा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई। नहीं माँ। ना ना क्या, सफर में मीठा खाना अच्छा शगुन होता है। ले खा। शाबाश। बस बस बस, इस कौवी को खिलाओ, कुछ मीठा तो बोले। चलिए अशोक भाई साहब, मैं तो तैयार हूँ। जैसे अशोक भैया नहीं, अच्छा यही जा रहे हैं। मेरी बात बात के बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? खुश रहो बेटे, परदेश जा रहे हो, सेहत का ख्याल रखना और खत जरूर लिखना। अच्छा चलो बेटे। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा। भाई एक मिनट रुकने जरा। पत्थर मार कर विदा कर रही हो? मेरी मर्जी से जा रहे हो क्या? जो मैं तुम्हें आरती उतार के विदाई दूं? कितनी छुट्टी बातें करते थे, उससे कभी जुदा नहीं होंगे। देखो देखो कितनी तैयारी से जा रहे हो। अगर मेरा बस चले तो मैं उस गाड़ी को स्टेशन पर ना आने दूं जिससे तुम जा रहे हो। दिल करता है इस घोड़े की टांग तोड़ दूं, फिर देखते तुम कैसे जाते हो। तुम तो जानती हो मेरा जाना कितना जरूरी है। तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। पूरे 2 साल के लिए जा रहे हो, तुम्हारे बिना एक दिन भी काटना मुश्किल है, कैसे जीऊंगी मैं? देखो ये 2 साल होते ही क्या है, आंख मीचते ही गुजर जाएंगे। ए? अच्छा सुनो, अपना रुमाल तो देना। क्या करोगे? दो ना। देखो इस गांठ को तुम कभी मत खोलना। जब तुम वापस आओगे तो मैं ही इसे खोलूंगी। इसे देखकर तुम्हें मेरी याद तो आएगी। Oh,
जाओ ना। देखो अपना ख्याल रखना। Thank you.
का खाना तो बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। हाँ। बैठो यार। थैंक यू। यह है यारों का गरीब खाना। एक्सक्यूज मी, नहीं आता। अच्छा शौक है। और कहो। ठीक है, गुजर रही। मुझे नहीं लगता ऐसे में कुछ पढ़ाई होगी। किताबों में सर खपाना अपने बस की बात नहीं। अरे हाँ, पहले चाय हो जाए। राजेश। ओ। चंदा, क्या हो गया बेटी? हाँ? क्या क्या हो गया? खून? अरे हाँ, ठहरो, मैं अभी वैद्य को बुला के लाता हूँ। देखिए मेरी बेटी क्या हो गया। देखा बेटी, कुछ नहीं हुआ हमारी बेटी का। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। दिखाना बेटी, दिखाना। हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। बेटी, जब तक तेरा वैद्य चाचा जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मैं दवाई भेज देता हूँ, एक दो खुराक में ठीक हो जाएगी। आइए आइए शास्त्री। बेटी मैं अभी आता हूँ। ये तो कोई बहुत बुरी बीमारी लगती है, देखा नहीं उसके मुंह से। हाँ शास्त्री जी, चंदा की बीमारी मामूली बीमारी नहीं है। हाँ? बचपन में जिस मर्ज को मैंने दवा के जरिए दबाने की कोशिश की थी। हाँ? वो फिर से उभर आई है। हाँ? और उसका ठीक से इलाज करवाना बहुत जरूरी है। हाँ? वरना ये मर्ज जानलेवा साबित हो सकता है। भाई जी आप ही कुछ कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। भाई जी मेरे बस में जो है वो मैं करूंगा। मेरी राय में इसे शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। फिलहाल मैं कुछ दवाई भेज देता हूँ, इसे दे दीजिए। माँ, अब चंदा की तबीयत कैसी है? अरे क्या बताऊँ बेटा, सारा दिन खांसती रहती है। दवाई का तो कुछ फायदा हुआ नहीं, न जाने कैसी बीमारी लग गई, रंग तो बिल्कुल काला पड़ गया है। माँ जब वो कुछ खाती नहीं है तो दवा क्या खाक असर करेगी? फिर ये डॉक्टर ने और दवा दी है, उसे किसी तरह समझा कर खिला देना और उसके बाद ये पिला देना। खिलाऊंगी कैसे, खाएगी तब ना। तुम थोड़ी कोशिश करो ना। फिर भी कोशिश करके देखती हूँ। चलो, हे भगवान। बेटी, मेरी रानी बेटी, तेरी ये हालत मुझे देखी नहीं जाती। तुझे देखकर मेरे दिल पे क्या गुजरती है। ले ले उठ, दादी का कहना नहीं मानेगी, पी ले। नहीं पीना दूध मुझे, नहीं खानी कोई भी दवा। मेरे अशोक को बुला दीजिए। दादी, मैं अशोक से मिले बिना नहीं मर सकती। नहीं नहीं, ऐसी मनुष्य बात मुंह से मत निकाल। तू जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी रानी, जल्दी ठीक हो जाएगी। देख ये दूध पी ले, अपनी दादी की बात नहीं मानेगी, मानेगी ना। चल थोड़ा सा दूध पी ले, पी ले थोड़ा सा दूध मेरी बच्ची, पी। हमें तो चंदा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शास्त्री जी रास्ते में मुझे मिले थे, कह रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी। भगवान करे जल्दी अच्छी हो जाए। मैं गई थी उसे देखने, कैसी हो गई है बेचारी। कुछ तो वो वैसे बीमार है, आप लोग रो धो के उसे और बीमार कर दोगे। तुम लोग उसके पास बैठकर रो धो ताकि उसे मालूम पड़ेगा बहुत बीमार है। जा एक गिलास पानी और ला। अ
अशोक को एक चिट्ठी डाल देने में हर्ज ही क्या है? चिट्ठी डालकर उसे परेशान कर दूं? इम्तिहान छोड़कर भागकर चलाएगा? आज शास्त्री जी से फिर मैं मिलूंगा, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। भगवान करे जल्दी अच्छी हो जाए बस। हरिओम। चंदा, चंदा, बेटी, आंखें खोल, देख, दादी माँ, दादी माँ पुकार रही है तुझे, आंखें खोल, चंदा, बेटी, देख, देख, देविका आई है, देविका से बात करेगी ना, बात कर, देख, आंखें खोल, हे भगवान, आंखें खोल बेटी, हम बहुत परेशान हो गए, परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, चन्ना, मेरी चन्ना, एक मिनट मेरे साथ बाहर आई। बेटी, चंदा, मेरी बेटी, बेटी, चंदा, चंदा बेटी, चंदा बेटी, हाँ, क्या हुआ? अरे बोल, दवाई से क्यों नहीं होगा? तुम चुप रहो माँ। बोलता क्यों नहीं? डॉक्टर ने क्या? अरे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा, दो चार मिनट की मेहमान है। अरे माँ, मैं अभी शहर से दूसरा डॉक्टर लेके आता हूँ। अरे अरे अशोक, अरे कब आया बेटा? नमस्ते दादी। खुश रहे, खुश रहे। आज ही आया हूँ। हाँ अच्छा, अरे बैठ। आप भी बैठिए ना। बैठ, मैं तेरे लिए पीने को पानी लाती हूँ। बैठ, मैं अभी आई। ले बेटा। दादी माँ, हाँ। आपको तो इस उम्र में, मेरा मतलब काम तो उसे करना चाहिए ना। हाँ। क्या बात है, क्या बात है दादी माँ? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। क्या, क्या मतलब? क्या हुआ, क्या हुआ दादी माँ? बेटा, चंदा। क्या हुआ चंदा को? चंदा इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। तेरे जाने के बाद न जाने उसे क्या हो गया, कौन सी बीमारी लग गई, दवा दारू से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, सब इलाज करके थक गए। और एक दिन मेरी चन्ना हम सबको छोड़कर चली गई। चंदा बीमार, हे भगवान, मुझे खबर तक नहीं। तेरा कैसा ये न्याय है, चंदा को छोड़ देता, मुझे ले जाता, मुझे ले जाता भगवान, मुझ बुढ़िया को ले जाता। अशोक बेटा उठ, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा ले। उन दिनों तेरे इम्तिहान चल रहे थे और फिर हमने सोचा भी नहीं था कि उसकी ऐसी अचानक मौत हो जाएगी। माँ, कम से कम मुझे इतला तो कर दी होती। बेटा, मैंने तेरे बापू से कहा था और फिर तब तक तो तेरे आने की चिट्ठी आ गई थी।
मुझे आने में बहुत देर हो गई माँ। अब उसे भूल बेटा, भगवान की मर्जी के आगे सभी बेबस होते हैं। चल मेरे लाल। माँ मुझे भूख नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। बार चले आओ तौबा पुकारा है तेरे तसव्वुर को इस दिल में उतारा है। एक बार चले आओ तौबा पुकारा है। Thank you.
के सिवाय कोई और बात नहीं है क्या? कम से कम मेरी नौकरी तो लग जाने दो। तेरी हाँ सुनना चाहती हूँ मैं, मुझे और ये सब नहीं देखा जाता, समझा? सारी उम्र पड़ी है बेटा, अकेले ही काट लेगा क्या? मुझे अकेला छोड़ दो माँ, मेरा मन नहीं लग रहा। बेटा अब तक क्या पा लिया तूने जो अब तुझे मिल जाएगा? अगर जबरदस्ती करनी है तो मुझसे पूछना क्या, जो जी में आए कर लो। ठीक है बेटा, अब मैं तुझे और कुछ नहीं कहूंगी, अब तू बहुत बड़ा हो गया है ना। मेरी बात तो सुनो माँ, मुझे समझने की कोशिश करो माँ प्लीज। तुझे मैं तुझसे ज्यादा समझती हूँ बेटे। पीछे पिताजी। हाँ बेटे। अरे तुम वहीं रह गई, जानते नहीं मुझे और कई जगह जाना है? जानती हूँ। और वो क्या कह रहा था? बस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। सुनो बेटा, तुम्हारी माँ ने तुमसे सब कुछ कह दिया होगा, जिद अच्छी नहीं होती, और हमारा बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता। मैंने बद्री प्रसाद जी से हाँ कर दी है। आपके हाँ या ना कह देने से इसे क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हो तुम? अशोक तुम हमारी बात नहीं मानोगे क्या? जो चाहो कर लो। ये बहुत अच्छा कहा अशोक भैया ने, शादी तो जितनी जल्दी हो जाए कर लेनी चाहिए। गज्जू बेटे तुम चुप रहो, थोड़े पैसे देना। कोई मुझसे शादी करने के लिए कब पूछेगा शंकर भगवान। अरे जल्दी करो ना। हाँ भाई दे रही हूँ, लो आओ बेटा। हाँ जी। दुल्हन तो वाकई खूबसूरत है। ए नजर मत लगाना। अरे काला टीका लगा देना उसे। खाएगा था, आज तू इतनी खूबसूरत लग रही है, अगर मैं लड़का होती तो तेरी डोली मेरे ही घर आती। अरे भाई बस करो बस, अब मेरी बहुत थक गई होगी और तुम लोगों को भी तो भूख लगी होगी। चलो तुम लोग भी कुछ खा पी लो। है सुनो, एनी सर्विस, एनी सर्विस। अरे गज्जू ये लड़कियों का कमरा है, यहाँ तेरा क्या काम, चल जा वहाँ मर्दाने में। वाह 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 जी, जब मैं लड़कों को दे रहा था तब तो आपने कहा नहीं, अब लड़कियों के लिए मौका मिला है तो मेरा तो सेवा भाव है जी। बस रहने दे तेरा सेवा भाव, चल जा बेवकूफ। एनी सर्विस। अरे फिर तो यही खराब है, जाता है। सेवा भाव। रहने दे तेरा सेवा भाव। बढ़ाया। चलो भाई चलो, तुम लोग कुछ खा पी लो। चलो रानी, रानी बहू को उसके कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर। तुम भी चलो। चलो। अरे बच्चों चलो चलो, तुम लोग भी चलो, सब लोग चलो चलो। चिंता तुम? मैंने कहा था ना ये काट मत खोलना। तुम कैसे? क्यों विश्वास नहीं हो रहा है क्या? तुम तो मर चुकी हूँ। अब तुमने भी लोगों की तरह यकीन कर लिया? नहीं अशोक मैं मरी नहीं, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कल तक थी तुम्हारे लिए। बोलो ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? कितनी आसानी से भुला दिया तुमने मुझे, शायद तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारी जिंदगी में चंदा नाम की भी कोई लड़की थी जिसने तुम्हें देवता की तरह पूजा था, तुम्हारी चाहत में खुद को मिटा दिया और तुम उसे ख्वाब की तरह भूल गए। ऐसा ना कहो चंदा, मुझे तुम्हारी बीमारी की किसी ने खबर तक नहीं दी। झूठ बोलते हो तुम, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए उतना ही प्यार होता तो आज। चिंता सच तो ये कि आज भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना कल चाहता था। नहीं तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था अशोक, तुमने तो सिर्फ एक नाटक किया था, वरना इस तरह तुम आज किसी और को अपना ना बनाते। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, अब कोई भी ताकत मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। तुम्हारा हक? हाँ तुम मेरा हक हो अशोक, मेरी आंखों में देखो, देखो।
मेरी आंखों में झांक कर देखो अशोक, प्यास है तुम्हारे प्यार की प्यास, आत्मा के मिले नहीं सच्चा मिलन है। अच्छा चंदा, उसे प्यार करते हो ना? हाँ चंदा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तूने मेरा सब कुछ छीना है कमी नहीं, तू क्या समझती है मैं तुझे प्यार से जीने दूंगी? अच्छा अब मैं चलती हूँ। अशोक, अशोक बेटा, बहू क्या कह रही है? चंदा यहाँ? अशोक, अशोक बेटा, तुझे क्या हो गया बेटा? बोल बेटा, बोल। अशोक बोल बेटा, चंदा यहाँ आई थी? हाँ, हाँ, चंदा आई थी, यहाँ बैठे थे। भगवान, गजो, गजो, अरे रनिया, 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 बापू को बुला, तेरे बापू को बुला। डर लग रहा है, मैं कहती हूँ यहाँ से निकल चलो, चलो। दिला दे भगवान, मैं क्या करूं? राधा, अब सब कुछ तुझे ही करना होगा। कचो, ओ कचो,
क्या है? देख नहीं रही थी, मैं अपनी साइकिल पे जा रहा था। अगर तू नीचे आ जाती तो तेरा तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा नाम तो बदनाम हो जाता ना। सब छोड़, पहले ये बता, मुझे देखकर तूने साइकिल क्यों नहीं रोकी? क्यों रोकता? मैं किसी भले काम से जा रहा था। अरे वाह, मुझसे बात करने के लिए तू काम नहीं छोड़ सकता? क्यों छोड़ूं? वाह अजी हाँ, जब मैं फुर्सत में होता तो तेरा कोई पता नहीं होता। पता नहीं क्या क्या करती रहती है घर में। मैं तो चला। रुको ना। अरे छोड़। अरे कमाल है, तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, हाथ पकड़ रही है मेरा। अरे मेरा तो नाम बदनाम हो जाएगा ना। ये क्या है? अरे ओ, हाथ तो तुझे पकड़ना चाहिए। जाने कैसा मर्द है, लड़कियों की तरह शर्माता रहता है। अब एक ना एक को तो शर्माना ही है ना, जब तू बेशर्म है तो मुझे ही शर्माना पड़ेगा। सब छोड़, मुझे साइकिल पे बिठाएगा? कहाँ बैठेगी, पिछली सीट तो है नहीं। यहाँ बैठूंगी आगे। हाँ। तो मेरा नाम खराब करने पे तुली है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, तू तो बुद्धू है। सभी कहते हैं, तू भी कह ले। लेकिन एक बार साथ फेरे हो जाने दे, फिर कहना भूल जाएगी बुद्धू। तुमसे शादी करने से पहले मैं कुएं में डूब कर मर जाऊंगी, समझे? अरे चम्मो, ये कौन से कुएं पर जा रही है? ए चम्मो, ए मेरी चम्मो, चम्मो, ए चम्मो, ए सुन तो, ए चम्मो, ए चम्मो, अरे बात बात पर हिट जाती है। एक बात याद रख, अगर मैं एक बार ये हिट गया ना तो फिर कभी सीधा नहीं होने का। ए जा मेरे ठेंगे से, तुझे क्या लगता है तू एक ही है मेरे लिए? सर पे ठीक से बाल भी तो नहीं है। तू कौन सी राजा इंद्र के दरबार की अफसरा है? और फिर नाक देखी अपनी? ये तो मैं ही हूँ जो तेरे पीछे लगा हुआ हूँ। तो जा अफसरा ढूंढ ले। अरे चमो, अरे सुन तो सही, मुझे सही ना। तू तो देख, तू तो एक सेकंड में नाराज हो जाती है। देख, तुझे पाने के लिए मैं भगवान शंकर को खुश करने पर तुला हूँ। हाँ, अभी तक पूरे 225 नारियल चढ़ा चुका हूँ। अरे मैं तो नारियल लेने जा रहा था। मैं चलता हूँ। छमो, तू भी आएगी? आ जा, बैठ जा। गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी। अशोक, तुम कहाँ जा रहे हो? राधा, कभी कभी ना जाने मुझे क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तुम्हें क्या हो गया है अशोक? चलो सो जाओ, चलो। साईं बाबा, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है, मेरी सुहाग की रक्षा करना। राधा, मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। ऐसा क्यों कहते हो राधा? आखिर मैं आपकी पत्नी हूं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि मेरा सुहाग सलामत रहे। अशोक, चलो उठो, कपड़े बदल लो। गोरी का साजन, साजन की गोरी, गोरी तू छुपी है कहाँ? चमो, मिल गई। चमो, अरे सुन, अरे चमो, अरे अरे तू यहाँ उछल रही है और मैं तुझे वहां ढूंढ रहा था। अब उछलती रहेगी या इस तरह देखेगी भी? एक दफा देख ले ताकि हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
अरे चंदा जी आप अरे कहाँ जा रहे हो गज्जू भैया? अरे भैया पूछो, अरे जो मैं देख के आ रहा हूँ अगर वो तू कभी देख लेता ना तो तू तो ढेर हो जाता, तू तो कभी देख ही नहीं सकता वो। अरे ऐसा क्या देख लिया गज्जू? अरे वो चंदा, अरे वो शास्त्री जी की बेटी, वो तो पिछले साल मर गई थी, अरे वो तो भूत हो गई है, अभी अभी देख के आ रहा हूँ मैं। अरे क्या भांग भी क्या है क्या? अरे नहीं भैया भांग नहीं थी क्या, पूरे होश में हूँ। तुमने ठीक से देखा क्या? अरे हाँ अपनी आंखों से देखा था। क्या वो चंदा ही थी? अरे चंदा जैसी थी और कौन सी, मैं नहीं पहचानता क्या उसे। कहीं ऐसी तो नहीं थी? माँ चाय ला। माँ मैं मंदिर हुआ हूँ। मंदिर? मेरा मन घबराता है। तू अकेली जाएगी बहू? ये रानी भी जाने कहाँ चली गई। तू ऐसा कर सरला को अपने साथ ले जा, अकेले मत जाना। जी सुखी रहे। हे भगवान। Thank you.
कहा था? साईं बाबा तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारे दुख दूर करेंगे। अब घर चलते हैं, चलो। ओम शिवाय नमः, ओम इक्राय नमः, ओम पूर्वाय नमः। शास्त्री जी, कल रात भी चंदा की आत्मा आई थी, जिसने बहोर बेटे को बहुत परेशान किया। मुझे तो उसी रात विश्वास हो गया था कि चंदा की मृत्यु साधारण नहीं हुई। ऐसी मृत्यु से आत्मा को शांति नहीं मिलती। या देवी सर्वभूतस्य नमोतस्य नमोतस्य नमो नमः। शास्त्री जी, आप तो चंदा तंग नहीं करेगी ना? घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। एक ही रात में अशोक का तो चेहरा भी पीला पड़ गया है। हरकिशन जी, मैंने ब्रह्म मंत्र से इस घर को बांध दिया है। अब कोई भी शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। ओम ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम चंडिकाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम। चंदा पापू, आज मुझे मजबूर होकर आपके सामने आना पड़ा। आखिर आप मेरी खुशी क्यों छीन रहे हो? मैं कहाँ छीन रहा हूँ, मैं तो तुझे पाप करने से रोक रहा हूँ। ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? पापू, मौत ने तो पहले ही मेरे साथ मजाक किया है, और अब क्या मैं उसे देख भी नहीं सकती? नहीं, उस पर किसी और का अधिकार है, वो किसी और का सिंदूर है। ऐसा सोचना भी तेरे लिए पाप है। पर मैं इसे पाप नहीं मानती। बेटी, तू जो कुछ कर रही है उससे मेरी समाज में बेइज्जती हो रही है। क्या तुझे अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं? क्या तू चाहती है कि लोगों के सामने मैं अपना सर झुका लूं? बापू। बोलो बेटी, तुम बोलती क्यों नहीं? मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम अशोक से मिलने कभी नहीं आओगी। ठीक है बापू, मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं अशोक से मिलने कभी नहीं आऊंगी, पर मैं उसे बुला भी नहीं सकती। अब वो खुद आएगा मेरे पास। चंदा, अब वो खुद आएगा। नहीं चंदा, अब वो खुद आएगा। नहीं बेटी, आएगा मेरे पास। बेटी, चंदा, मेरी बेटी। और बापू के वचन को मैं तोड़ ना सकी, अब जब मैं तुम्हें चाहूं देख सकती हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुला लिया। नाराज हो क्या? ये तुम क्या कह रहे हो राधा? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ नहीं सोच रहा मुझे। Thank you.
राधा तुम तो जानती हो कि इस होटल का केयर टेकर अपॉइंट किया गया है मुझे, और इस होटल की जिम्मेदारी है मुझ पर। ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभानी हमें, जान सलामत रहे तो नौकरियाँ और भी मिल सकती हैं। ओहो राधा, तुम समझती क्यों नहीं इस बात को। भार बजाए ऐसी नौकरी, ऐसी नौकरी और भी मिल सकती है। हम यहाँ से आज ही निकल जाएंगे। हाँ हाँ, अभी इसी वक्त, यहाँ किसी बात का कोई भरोसा नहीं। चलो सामान उठाओ, चलो यहाँ से। अरे सामान को मारो गोली यार, जान बचाओ और भागो यहाँ से, चलो। नहीं कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई घबराने की बात नहीं। रुक जाओ रुक जाओ। इतना बड़ा जंगल है, हम लोग भी बिल्कुल गधे हैं। कोई जंगली जानवर आ सकता है, हमारे ऊपर हमला कर दे, हमको खा सकता है। लेकिन धर्मी को कोई बात नहीं, मैं कोई हथियार का इंतजाम करता हूँ। मैं हथियार कहाँ से मिलेगा, मैं कोई भी इंतजाम करता हूँ, तुम लोग डरना नहीं। नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हथियार कहाँ से मिलेगा, लकड़ी का हथियार बनाना पड़ेगा, और कर भी कह सकते हैं। क्या तो कोई नहीं जी। ए भाई, ये बरसात हो क्या? घबराती क्यों हो, लसन नहीं रखो है? अरे अरे, ये तो भूत ही भूत है, भागो यहाँ से, चलो। ये क्या बेवकूफी है, राधा को साथ ले लो। अरे राधा किधर गई, राधा? राधा अरे बेटा नंदू, मारे गए, राधा गई, अशोक क्या, तेरा भी हुरकस बना देंगे भूत। लगता है तो अपनी कब्र भी यहीं बनेगी। होटल चलते हैं, भागो। राधा, नंदू नंदू, राधा कहाँ गई, मेरी राधा कहाँ गई, बताओ ना। गई है किशन के पास। क्या भगते हो तुम? भगने रहो मेरे भाई, वो राजा है ना, वो मर गई, वो भूत भूत है ना, भूतों ने उस भूतों ने मार डाला होगा। हाँ, ये नहीं हो सकता, वो कैसे ये नहीं हो सकता, वो भूत तो मैं इधर हूँ। अशोक आओ, मेरी बाहों में समा जाओ, ताकि मेरी परसों की प्यास बुझाए। नहीं नहीं चंदा, नहीं, अपनी राधा के सिवा मैं किसी को नहीं अपना सकता। भगवान के लिए बता दो मेरी राधा कहाँ है। अशोक, तुम्हें राधा की याद सता रही है और मेरी तरफ का कोई एहसास नहीं? मैं तुम्हारे लिए हर रूप धार सकती हूँ, देखो।
मिला राधा को? यो गम गलत करने के लिए इससे अच्छी चीज नहीं है। और क्यों, मैं तो बहुत पीता हूँ, ये सीधे ही चालू हो गया है। जो कुछ कर रही हो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हो। तुम्हारी ज्यादती कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा? कब तक जुल्म करती रहोगी हम पर? कब तक परेशान करती रहोगी उसको? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? किसने किसका क्या बिगाड़ा है भाई? झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मुझसे मुझसे दुश्मनी कर रही हो। प्यार नहीं चंदा, मेरा सुकून बर्बाद कर रही है तुमने। तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहती हो। सब झूठ है अशोक, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारी खुशियां और बीमारियां मेरे हाथ में हैं, मगर मेरा रोम रोम तुम्हारे प्यार का कर्जदार है। लेकिन मुझे अमावस की रात का इंतजार है। आओ मेरे साथ, आओ। हट जाओ पीटर। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास तो छूकर देखो। छूकर तुम भूत नहीं हो। आओ ना।
ये आज दिल ही दिल में साईं बाबा से क्या मांगा जा रहा है? बस यही कि साईं बाबा इस मुसीबत से निकाल दें। बात तो ठीक है। नाश्ता कर लिया तुमने? वो क्या है कि नंदू कल से आया नहीं है, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ, ना जाने कहाँ है वो। ठहरिए, प्रसाद से लेकर जाइए। नंदू, नंदू, ना जाने कहाँ खो गया। अच्छा तो यहाँ छुपा है। अरे क्या हो रहा है, किससे छुप रहे हो? आओ चलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है, कमाल करते हो। सुना है कुछ ही दिनों में रास्ते खुल जाएंगे और फिर हम सब मिलकर इस मनुष्य जगह से निकल जाएंगे। ये मेरी लाश है, ये मेरी लाश है, ये मेरी लाश है। नंदू, अरे ओ नंदू। राधा, उसके पीछे मत जाओ राधा। नंदू, नंदू, मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहे हो? राधा, दवाई कहाँ रखी है? बहरे हो गए हो क्या, सुन नहीं रहे? नंदू, मेरी बात सुनो नंदू। राधा, राधा, अरे वहां मत जा राधा। नंदू, अभी नहीं था, कहाँ गया वो? ऐसा है कि नंदू मर चुका है, उसकी लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है। मर चुका है? राधा, राधा, प्लीज होश में आओ राधा। Woo!
क्या हो रहा है? मैं अशोक हूं, होश में आओ राधा, 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 मैं अशोक हूं, यहां और कोई नहीं, मैं हूं, होश में आओ राधा, प्लीज, राधा, रास्ते खुलते ही हम यहां से निकल चलेंगे, उठो। दवा लेके आता हूं। अशोक, अशोक, ये पंखा क्यों चलाया? पंखा मैंने नहीं चलाया, मैं भी बंद करता हूं। मैं दवाई लेके आता हूं। क्या करें? किन गुनाह की सजा मिल रही है हमें? धीरज रखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सारे रास्ते बंद हो गए, अब क्या होगा अशोक? क्या होगा? क्या नहीं, कुछ पता नहीं, अब क्या होगा? Thank you.
दी मैंने, जाने कहाँ रख दिए तो पता नहीं। शादी करूंगी। शादी? बेटाओं से भूल जा। नहीं, मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। बेटा, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो किसी और का है। वो सिर्फ मेरा है। चंदा, ऐसा मत कर तू। उसे भूल जा बेटी, इसी में तेरी भलाई है। बेटी मान जा तू। दादी, उसे भूल जा बेटी तू। अब वो तेरा कोई नहीं है, उसे सुखी रहने दे बेटी। तू उसे नहीं पा सकेगी, तू उसे नहीं पा सकेगी चंदा। दादी, मैं उसे पा लूंगी, उस पर सिर्फ मेरा हक है। मुझे वो कपड़े चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, यहाँ नहीं नहीं होने दूंगी। हट जा दादी, मुझे कपड़े लेने दो। अच्छा दादी माँ, नहीं तू, मैं जा रही हूँ। ऐसा मत कर चंदा। बेटा, हाँ, देखा तुमने, देख लिया है, सुना तुमने, सुन लिया है माँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो सकता। मुझे जिस अमावस की रात का इंतजार था वो आ गई। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अशोक, 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 कहाँ जा रहे हो? अशोक, अशोक, चंदा, भगवान के लिए मुझे मेरा सुहाग बख्श दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चलो चलो अशोक, ये हमारी जान लेकर छोड़ेगी। चलो, अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। चंदा, आप तुम्हें मेरे पास आना होगा अशोक। आज मेरा इंतजार पूरा हो चुका, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास बुला लूंगी। नहीं चंदा, अशोक चलो। आज तुम देख नहीं सकती राजा, आज मैं अशोक को लेकर ही जाऊंगी। चंदा, लेकर ही, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकर ही जाऊंगी, तुम मुझसे मेरा ये सहारा नहीं छीन सकती। नहीं नहीं, ये सहारा नहीं छीन सकती। तुम्हारी ये कामना कभी पूरी नहीं होगी। तुम तो सिर्फ अशोक से प्यार करती हो। मैं अशोक की बीवी हूँ, उससे मेरी शादी हुई है। शादी तो आज रात है। आज रात मुझे दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। आज रात के 12 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी। रात के 12 बजे याद रखना अशोक, याद रखना अशोक। अशोक, यहाँ से निकल चलो। अशोक, ठहरो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले।
चलो। से बांध रखा है राधा, मुझे इनसे छुड़वा लो, मुझे इनसे छुड़वा लो राधा प्लीज। साईं बाबा मैं सुहाग की रक्षा करो, मेरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। राधा कहाँ हो? राधा जी जरा जल्दी करो भाई, अरे जल्दी करो ना, निकलना भी है जल्दी। भगवान ये क्या हो गया? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी देख कर आता हूँ, शायद फ्यूज उड़ गया है। लेकिन जल्दी आना। हाँ जल्दी आता हूँ। तुम्हारी चंदा तुम्हें लेने आई है, चलो देर ना करो, ये आत्मा जन्म जन्मांतर से तुम्हारा इंतजार ही कर रही है। अशोक रुक जाओ, तुम्हें उस पवित्र फेरों की कसम, नहीं। तुम क्या समझती हो, अग्नि के सामने सात फेरे लेने से क्या अशुभ तुम्हारा हो गया?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अशोक सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। खबरदार, चली जाओ यहाँ से। अगर तुमने मेरे सुहाग को छुआ भी तो भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बोलो अशोक, किसके सहारे जीऊंगी मैं? नहीं अशोक, आज हम एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लेंगे और कभी ना जुदा होने वाले बंधन में बंध जाएंगे। आओ अशोक। जाने में जाने तुझे को जाने मैं किसी और नहीं पहचान। दुख दर्द सब ना करे तुझे सारी, दुख दर्द सब ना करे तुझे सारी। मेरा मेरा प्यार कर तुझको बना। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.